हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में कि जैसे हम कई बार ट्विटर पे या फेसबुक पे हम कुछ पोस्ट को पिन करके छोड़ देते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। आप कुछ मैसेज को भी पिन करके अब उसे छोड़ सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। तो आपको बताते हैं कि अगर आप अपने व्हाट्सएप में मैसेज को कैसे पिन कर सकते हैं, और इसमें ये अभी ये जो व्हाट्सएप है वो बिजनेस व्हाट्सएप में ये चीज़ अप्लाई हो रही है, नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं। जी हाँ, व्हाट्सएप पर पिन चैट फीचर के लिए रोल आउट है, और इसमें यह रहेगा कि नेक्स्ट कुछ दिनों में जो नॉर्मल व्हाट्सएप है उस पर भी ये चीज़ अवेलेबल रहेगी। इस फीचर से किसी मैसेज को आप पिन कर सकेंगे, और फीचर को एंड्रॉयड चाहे एंड्रॉयड है अगर माने आईफोन है या पीसी है, तीनों में आप कर सकते हैं। और इन फीचर को आप पर्सनल और ग्रुप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पर्सनल चैट और ग्रुप चैट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी मैसेज ढूंढने और समय बचाने के लिए ये जो स्टेप है लिया गया है। इसके जरिए आप टेक्स्ट, पोल, इमेज और इमोजी को आप पिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो संदेश है कितने दिनों तक आप पिन रख सकते हैं ये भी निर्धारित करता है कि आपने वो जो मैसेज है वो 7 दिन के लिए रखना है, 24 घंटे के लिए रखना है, वो भी अवेलेबल है। उसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल कर सकते हैं, या 30 दिन तक भी आप उसे सेट कर सकते हैं। पिन के दौरान एक बैनर दिखाई देगा जिसमें आपको ड्यूरेशन चूज़ करना देगा कि कितने टाइम के लिए आपको उसको पिन करके छोड़ना है। जैसे ही आपने उसे पिन कर दिया तो फिर वो रहेगा कि वो आपके यानी कि अपर साइड ही रहेगा, वो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ग्रुप चैट में एडमिन के हाथ में ये होगा कि इस मैसेज को पिन करना है या नहीं। जी हाँ, तो जैसे ग्रुप चैट है जो जो उसमें एडमिन होगा तो वही एडमिन ही वो फिक्स कर सकता है कि वो जो अगर माने जो पिन चैट है जिसको आपने पिन किया है तो वो कितने दिन तक वो पिन रहेगी। तो ये वो डिसाइड करने का काम ग्रुप एडमिन के अंडर रहेगा, क्योंकि अगर ग्रुप का एडमिन एक या दो है जितने हैं उन्हीं सभी के अंडर में ये रहेगा। इसके साथ साथ एडमिन के हाथ में भी होगा, ये सुविधा सभी को देना है, ये खुद रखना है। इसके साथ साथ पिन किए मैसेज को अनपिन करने के लिए आपको सिर्फ दोबारा उस पर क्लिक करना है और अनपिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो जो मैसेज है वो चैट से या पिन चैट से हट जाएगा और जो ओरिजिनल टाइम और डेट के अकॉर्डिंग पोजीशन पे सेट हो जाएगा। ध्यान देने वाली ये बात है, यदि किसी चैट में या मैसेज में मैनुअल रूप से अनपिन नहीं करते तो निर्धारित अवधि के बाद वह स्वयं ही अनपिन हो जाएगा। मतलब ये है, अगर आपने किसी चैट को या मैसेज को 7 दिन, 24 घंटे या 30 दिन के लिए उसे पिन करके छोड़ दिया, ठीक है, अगर आपने पिन करके छोड़ दिया, 30 दिन बाद आपने दोबारा उसे अनपिन नहीं किया या मतलब दोबारा उसे अपडेट नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिक ही अनपिन हो जाएगा और अपनी जो पोजीशन थी उसी में आ जाएगा। तो आपने करना क्या, पहले आपको मैसेज पर टैप करना है, जो फिर आपको जो मेनू ऑप्शन है या कहे 3 डॉट दिखेंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ ऑप्शन में अवेलेबल होगी, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये बिजनेस व्हाट्सएप में अवेलेबल है, अभी नॉर्मल जो व्हाट्सएप है उसमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद अगर बात करें तो आपने सिलेक्ट पिन का ऑप्शन करना है और टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना है, 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन। और अगर आपको पिन हटाना हो तो उसी मैसेज पर क्लिक करके अनपिन कर सकते हैं जी। तो ये थी बेसिक डिटेल, होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।